ऐसे खुल भी जाएगा। दिस इज नाउ द पीएम ई विद्या स्कूल स्टूडियो लद्दाख। थैंक यू सो मच सर, ऑल ऑफ यू ऑल फॉर गिविंग। हमारे पास में अराउंड 725 स्क्वायर फीट की जगह थी। जनरली स्टूडियोज में क्या होता है, सबसे ज्यादा स्पेस हम प्रोड्यूस करेंगे अराउंड 150 टू 300 वीडियोस जो इस साल हम रेडी करेंगे बच्चों के लिए। वर्क हैज बीन डन डिफरेंटली, हमें थोड़ा हाइट कम पड़ गया है स्टूडियो का, नहीं तो हम लाइटिंग भी फिक्स करते थे टीचर्स के लिए। ये ऑब्वियसली क्रोमा स्पेस है, क्रोमा के साथ ही हमने ये स्पेशल क्रोमा पैनल्स बनाए ताकि ये किसी भी सेट पे अगर हम फिट करें, इसको व्हाइट रेड ब्लू कुछ भी कर सकते हैं, तो ये किसी भी सेट के साथ में साइड वॉल्स बन सकते हैं दोनों पैनल्स। फिर ये वाला वॉल आप देखो, हल्का है, मूवेबल है। एक एक्सपर्ट टॉक, एक जो टीचर है, जब भी वो अपनी दादाजी की किताब खोलती है तो उसमें एक पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ती है तो वो वहां अपीयर हो जाते हैं। एंड लद्दाखी मील, लद्दाखी लंच करते हुए जो है बच्चों को डॉक्यूमेंट्री के थ्रू उस पर्सनैलिटी के बारे में बताया जाएगा। तो ये शो, ये सेट हमने उसके लिए रेडी किया है। जो प्री प्राइमरी सेक्शन के हैं, उनके स्मॉल टेबल्स, उनके स्मॉल मैट्रिक्स स्पेस, जो टीचिंग लर्निंग में हम फ्लोर पे बच्चों को सिखाते हैं, वो यहाँ पे शूट हो सकता है। यहाँ पर इंटरव्यू पॉडकास्ट भी शूट हो सकता है। फर्नीचर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है और सारा सेट चेंज हो जाता है। दिस सेट जो आप देख रहे हैं, सारे चीज को बहुत टेक्निकली आप समझते हैं, तो हमारे बच्चों को हमारी जगह को देखते हुए कैसे कंटेंट बनाने की कोशिश की। पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि टीचर्स जो होते हैं वो सबसे बड़े डायरेक्टर होते हैं, जो एक बच्चे के लाइफ का करियर में कैसे एक अच्छा इंसान बने उसको अगर वो डायरेक्ट कर सकते हैं तो फिल्म तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है। तो मेरे हिसाब से सारे टीचर दे आर ऑलरेडी डायरेक्टर्स, दे आर ऑलरेडी यू नो मेकर ऑफ लाइफ। हमारे जो है बचपन में हम लोग बहुत सारे ऐसे स्टोरी सुनते रहते थे जिनको हम कभी कभी विजुलाइज करते थे, लेकिन अब हम उसको भी जो है प्रैक्टिकली जहाँ पे विजुलाइज करा सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन किया तो मुझे लगता है कोई हमारे पास वो नहीं है, कोई लिमिटेड वो नहीं है। दरअसल इतने वॉच इतने सारे हम कलेक्ट कर सकते हैं और हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड है। आई थिंक अभी इन्होंने कहा है देयर ऑन स्टोरी, उनको ही मेरे ख्याल से हमें ग्रूम करना चाहिए, उनको हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड कराना चाहिए। कॉन्फिडेंस आता है श्वेता से, वो प्रोड्यूसर है, वो बोल देती है मैम ये शो में ना इतना करना है एंड हर आइडियाज एंड सॉल्यूशंस आर एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। एज फार एज टीचर्स आर कंसर्न, टीचर्स ये एक ऐसे माध्यम है ना, जो भी सिखाते हैं ना बच्चों को वो बच्चे लाइफ टाइम यू नो रिमेम्बर करते हैं। अभी हमारा स्कूल का एक ग्रुप है, उसमें हम टीचर्स को याद करते हैं, हम सोचते हैं कि ये टीचर ने ये सिखाया था, इस तरह से डाटा था, इस तरह से जनरली नहीं होता है ना साथ में, तब तक एक वो पूरी विजन डायनामिक्स में नहीं होती। तो योर कंटिन्यूस सपोर्ट विल बी वेरी नीडेड एंड एवरी टाइम आई कम आप हमें मिलने चाहिए। An Honorable Chief Guest, Advocate Shri Kashi Gelson, Chief Executive Counselor, Ladakh Autonomous Development Council, that have traveled to 65 international film festivals with 21 national and international awards. She is the challenge. Gathered here to celebrate the achievement of a significant milestone in the field of education journey of Ladakh, the inauguration of first ever academic film studio at Dai Lake. First of all, I would like to welcome
वेलकम ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर एलएचडी शुरू हुआ था एजुकेशनल शो बच्चों के लिए एंड पैंडेमिक के पहले द पीएम ई विद्या चैनल्स वाज वन क्लास वन चैनल मतलब ग्रेड वन के लिए एक चैनल ग्रेड टू के लिए ग्रेड थ्री के लिए एक्सेट्रा ड्यूरिंग द पैंडेमिक इज वेन द एंटायर गेम चेंज्ड 8.5 crore children, 8.5 crore children could continue their study through the D2H channel streaming of educational content. Is the largest producer of films, right? Jitendra sir, largest producer. And we are also the second oldest filmmakers. But every year, only 0.02% films are made. ये स्टूडियो जिस मकसद से बना है उसको फुलफिल पूरा करेगा, मुझे उसमें कोई शक नहीं है. हमारे डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सरल शब्दों में समझाया कि इनका क्या मिशन था. इस ये स्टूडियो क्या रोल प्ले करेगा, हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब का विजन है कि जो पीएम विद्या है जो है आप मुझे जिस विजन से ये आगे बढ़ना चाहते थे. इन्होंने पहले भी काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं बट अब मैं समझता हूँ पीएम विद्या अब कंप्लीट हुआ है. सबसे पहले जैसे आज यहाँ पे डाइट ले में ऑनरेबल सी सी ले एडवोकेट आशिक एल्सन साहब ने पीएम ई विद्या स्टूडियो जो इनोग्रेट किया, तो ये लद्दाख के लिए मतलब पहले आज से एक साल पहले हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक एमओयू साइन किया था. उन्होंने मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने हमें 5 जो डीटीएच चैनल दिए हैं, तो मतलब हमें दोनों डाइट में एक स्टूडियो सेटअप करना था, मतलब उसको मतलब चैनल्स को चलाने के लिए. तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो हमने पर्पल पीपल जो मैम श्वेता मिला था तो उनके साथ हमने डिस्कस किया था कि ये हम स्टूडियो डाइट ले और कारगिल में जो बना रहे हैं तो उसमें वो उसमें क्योंकि श्वेता मैडम जो है फिल्म बैकग्राउंड से और फिल्म इंडस्ट्री से बैकग्राउंड से रखते हैं, तो इस स्टूडियो को मतलब कैसे मतलब एक अच्छा स्टूडियो बना सकते हैं उस एंगल से हमने उनको हेल्प के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया था. तो मतलब उन्होंने हमें मतलब ये मतलब जैसे हमारे रिक्वेस्ट को ही उन्होंने तुरंत वो करके फिर उन्होंने वो ये काम लास्ट ईयर स्टार्ट किया था, मतलब आज से कुछ महीना पहले. तो ये एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्होंने ये स्टूडियो बना के हमें दिया था. यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे पहले बताया कि अलग अलग 15 अलग सेट यहाँ पे इस स्टूडियो में शूट हो सकता है, तो मैं समझता हूँ ये जो स्टूडियो आज यहाँ पे बना है तो लद्दाख की जो एजुकेशन सिस्टम में ये काफ़ी हेल्प मिलेगा, खासकर जो हम मतलब ई मतलब एजुकेशन वो करने के लिए ये काफ़ी मतलब हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा. और मैं चाहता हूँ कि जैसे बहुत से स्कूल में जो गुड प्रैक्टिसेस होते हैं उस स्कूल में जो गुड प्रैक्टिसेस जो भी अच्छे प्रैक्टिसेस है तो उन स्कूल के जो गुड प्रैक्टिसेस को इस स्टूडियो के माध्यम से हम दूसरे स्कूल में ले जा सकते हैं और अच्छे अच्छे मतलब जैसे ई कंटेंट्स हम इस स्टूडियो के थ्रू बना सकते हैं और बच्चों को एक लर्निंग आउटकम इम्प्रूव करने के लिए ये स्टूडियो मतलब आने वाले दिनों में ये काफ़ी मतलब फ़ायदेमंद हो सकता है. सर जैसे कि टैलेंट हंट या अगर ग्रूम किया जाए तो किस तरह से इस स्टूडियो की मदद से किस तरह से ग्रूम किया जाए? अच्छा जैसे कि मतलब इस स्टूडियो की वजह से जैसे पहले मैंने बताया कि इसमें अलग अलग 15 सेट है, तो इसमें जैसे यहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स वगैरह कर सकते हैं, तो अलग अलग यहाँ पे एक
मतलब एक चिल्ड्रन फिल्म भी इस स्टूडियो में बना सकते हैं, तो इसमें हम मतलब इंटरव्यूज वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये मतलब जो 15 सेट पे अलग अलग हम मतलब ये चीज़ ऑर्गेनाइज इस मतलब स्टूडियो के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो ये मतलब स्टूडियो बहुत, मैं समझता हूँ कि लद्दाख में पहली बार ऐसा मतलब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मतलब अच्छा स्टूडियो मिला है, तो बच्चों के लर्निंग आउटकम के लिए मतलब फ्यूचर में बहुत फायदा होगा इससे। तो हम कह सकते हैं सर कि विजुअल लेवल से बच्चों के जो आने वाले दिनों में जो बूस्ट हो कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, जैसे कि हम सबको पता है कि मतलब कोविड से पहले हम मतलब क्लासरूम में ज्यादा पढ़ते थे, और कोविड के बाद में कोविड ऐसा एक पेंडेमिक था जिसने हमें फोर्स किया था कि ई कंटेंट और मतलब डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे हमें मूव करने का मतलब हमें फोर्स किया था, और उसमें मतलब उसके बाद में एक डिजिटल कंटेंट और डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक रिवोल्यूशन भी आया था। तो उसके बाद में साथ साथ में अभी हमारे सारे जितने भी स्कूल्स है वहाँ पे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। जितने भी जैसे हमारे बहुत से स्कूल में स्मार्ट क्लासेस है, ITC लैब्स है और अटल टिंकरिंग लैब्स है, और बहुत से स्कूल में हम एस्ट्रोनॉमी लैब्स वगैरह सेटअप कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अभी गवर्नमेंट स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो इट्स फार बेटर देन द प्राइवेट स्कूल्स आई थिंक। और बाकी जो मैं समझता हूँ कि डिजिटल इस स्टूडियो के माध्यम से और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म जो अभी हम कर रहे हैं उसको और ज्यादा फायदा मिलेगा।